हेलो एवरीवन, मैं मैथ्स एडुकेशन इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। आज हम लोग एरिया का फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं ना। थर्ड तक कंप्लीट हो चुका था, फोर्थ की बारी है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, एक कर्व लेते हैं। ये कर्व है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये कर्व है y इज इक्वल टू सपोज g ऑफ एक्स, और ये कर्व है y इज इक्वल टू h ऑफ एक्स। तो बताया गया था कि कर्व का जो कटिंग पॉइंट है इसका भी इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले कटिंग निकालेंगे ना। तो ये दो कर्व का कटिंग यहाँ मिल रहा है ना, तो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ एक कटिंग सपोज a, एक यहाँ कटिंग मिल रहा है तो सपोज ये कटिंग बी, एक यहाँ कटिंग मिल रहा है ना यहाँ, तो एक कटिंग सी। तो एरिया क्या क्या हम लोगों को यही एरिया चाहिए ना, ये फिर नीचे ये और फिर ये। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कलर्ड एरिया, जो भी कलर्ड किया हुआ एरिया है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं ना, ए से बी के बीच कौन सा कर्व है ना, ए बी के बीच देखो ये बड़ा वाला कर्व एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग टोटल एरिया कवर कर लिए। फिर नीचे में देखो, सपोज ये दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो कुछ पॉइंट आएगा ना इस एक्सिस को और ये कर्व को, तो क्या मिलेगा ना, ए डी सपोज डी, और सपोज यहाँ सोल्व करेंगे तो ई मिला। तो प्लस क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा डी टू ई, और कौन सा कर्व है उसके बीच एच ऑफ एक्स, और फिर प्लस सी टू ई, और सी टू ई के बीच कौन सा कर्व है ये जी ऑफ एक्स। देखो हम लोग टोटल एरिया कवर कर लिए यहां से यहां टोटल और नीचे भी, बट हम लोगों को ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए। तो माइनस क्या करेंगे ना, माइनस हम लोग कर लेते हैं ए टू डी के बीच कौन सा कर्व है ना ये एच ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर ये माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ना, ई टू बी, और ई टू बी के बीच कौन सा कर्व है बताओ, ई टू बी के बीच कौन सा कर्व है, ई टू बी के बीच यही कर्व है, तो कौन सा हो जाएगा ना कर्व जी ऑफ एक्स डी एक्स। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ले लेते हैं ना ए वन, और इसको ले लेते हैं ए टू, और इसको ले लेते हैं ना ए थ्री, और इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी। तो देखो हम लोग ए टू बी कवर किए ना एरिया, उसमें क्या क्या आया, बी आ गया, ए वन आ गया, सी आ गया, बी प्लस ए वन प्लस सी। यहाँ डी टू ई एरिया एच ऑफ एक्स है ना, डी टू ई, तो यहाँ डी टू ई नहीं ना, डी टू सी है, यहाँ लिखो डी टू सी के बीच एरिया एच ऑफ एक्स, और फिर सी टू ई के बीच का एरिया जी ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ ए टू लेट किए ना थोड़ा देर के लिए ए टू, और इसको क्या लेट किए हैं सी टू ई ए थ्री, और इसको हम लोग क्या लेट किए ना बी लेट किए हैं, और इसको क्या लेट किए हैं इसको सी। तो देखो तो यहाँ बी और ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस बी है यहाँ प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ सी है और यहाँ माइनस सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ ए वन बचा, यहाँ ए टू बचा, और यहाँ ए थ्री बचा। तो यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ए वन ए टू ए थ्री, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ये एरिया हो गया ना कवर। तो चलिए इसको आप लिखिए, ये था एरिया का लास्ट थ्योरी। ये था ना एरिया का लास्ट थ्योरी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन से ही समझ आएगा एरिया कैसे बनता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजियन, लिख देते हैं ना, लिख देते हैं फाइंड द, ये क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले देखना है ना कि इसमें कौन कौन सा कर्व है। तो एक कर्व है हम लोगों का ये, दूसरा कर्व है x इज इक्वल टू वन, तीसरा है x इज इक्वल टू फोर और चौथा है x एक्सिस। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले देखना है ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आपको बताया गया था ना, आपको बताया गया था शुरू में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तो अपवर्ड पैराबोला, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो राइट वार्ड पैराबोला, ये पता होना चाहिए, राइट वार्ड पैराबोला। तो हम लोगों को क्या करना है ना, राइट वार्ड पैराबोला बना लेना है और इसका इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और उसके बाद x इज इक्वल टू वन है तो बताया गया था x इज इक्वल टू वन एक लाइन होता है ना, x इज इक्वल टू वन एक लाइन होता है, x इज इक्वल टू वन एक लाइन होता है जो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और एक दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ डिस्टेंस वन है ना, तो कुछ ज़्यादा ही होगा, यहाँ एक दूसरा लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू फोर। और x एक्सिस है तो ये एक्सिस, देखो एरिया जो बन रहा है ना वो इस कर्व, ये कर्व, x इज इक्वल टू वन ये x इज इक्वल टू वन लाइन, एक्स इज इक्वल टू फोर तो ये एक्स इज इक्वल टू फोर, और एक्स एक्सिस यहां है एक्स एक्सिस, इसी से मिलकर जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया सपोज ए ले लेते ना, लेट एरिया यही निकालना है, और ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही रहा है, तो ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो एरिया होगा क्या, तो यहां लिखेंगे ना, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, यहां लिखते हैं, इसलिए कलर्ड एरिया, कलर्ड एरिया, और हम लोग ए लेट किए ना कलर्ड एरिया ए। तो देखेंगे ये एरिया का किस एक्सिस से बन रहा है ना, एक्स एक्सिस से बन रहा है, कहां से कहां, वन टू फोर, तो हो जाएगा वन टू फोर, वन टू फोर में कौन सा कर्व है ना, तो वन टू फोर में देखो यही कर्व है, ये वाला कर्व। तो हमेशा एक कंसेप्चुअल जो आपको बात बताया जा रहा है ना, यहां देखो वन टू फोर किसका वैल्यू रखेंगे, तो देखेंगे कि ये कौन सा एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे है तो इसका उल्टा वाई का वैल्यू रखना है। कैसे सोचना है, लिमिट कहाँ से लिए ना एक्स एक्सिस का, तो जो वैल्यू जो कर्व रखना है ना, कर्व का इक्वेशन, तो उल्टा रखना है ना, यहाँ क्या है एक्स एक्सिस है तो यहाँ उल्टा वाई का वैल्यू रखना है, तो यहाँ से वाई का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं ना, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा ना स्क्वायर रूट एक्स, और किस पे है x के रेस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया, हमको इसका एरिया निकालना है ना, तो 1 टू 4 लिमिट हो गया 1 टू 4, किसका लिमिट लिया ना x एक्सिस का लिमिट लिए, तो यहाँ बहुत बच्चा क्या करेगा ना, यहाँ जो है वैल्यू रख देगा x का, यहाँ y स्क्वायर रख देगा और गलत हो जाएगा, बहुत बच्चा रख देगा ना इसका वैल्यू रख देगा ना, यहाँ x का वैल्यू रख देगा वाई स्क्वायर, बट नहीं रखते हैं, किस पे है x एक्सिस पे, तो y का वैल्यू उल्टा, x एक्सिस पे रहेगा तो y का वैल्यू रखना है, y एक्सिस पे रहेगा तो x का वैल्यू रखना है, तो यहाँ जो है x एक्सिस पे है
तो कर्व से y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x हो गया ना, तो यहाँ स्क्वायर रूट x और यहाँ x आ गया ना, तो ये तो पता चल रहा है x है, तो इंटीग्रेट कब होगा, x का फंक्शन होना चाहिए ना, रेस्पेक्ट x का होना चाहिए, वैसे x एक्सिस पे है तो dx। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 बाई 3। अब एरिया का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब यहाँ से डिफिनिट आ गया, यहाँ 1 टू 4, ये हो जाएगा 2 बाई 3, यहाँ 4 डाल देते हैं, तो 4 का पावर 3 बाई 2 माइनस 1 का पावर 3 बाई 2, ये कितना हो जाएगा ना 2 बाई 3, ये 2 का पावर 3 बाई 2 माइनस 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा ना, यहाँ हो जाएगा ना 2 का पावर 2 इंटू 3 बाई 2, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 3, 8 माइनस 1 कितना 7, 7 2 जा 14 अपॉन 3, हमेशा स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, जब भी एरिया का आंसर आता है ना स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, तो चलिए इसको आप लिखिए, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का है, लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ भी देखेंगे ना कौन कौन सा कर्व है, हमेशा कर्व देखते हैं, एरिया फाइंड आउट करना ना, एक ये कर्व है और एक ये एक्सिस है। तो देखो यहाँ बताया गया था ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिजिट से कुछ लेना देना है नहीं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है ना, बताया गया था ना कि डिजिट से कोई लेना देना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट वर्ड पैराबोला, अभी माइंड में पता एकदम फिक्स होना चाहिए ना कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रहेगा ना, तो राइट वर्ड पैराबोला, और x इज इक्वल टू क्या रहता ना यहाँ माइनस रहता ना तो लेफ्ट वार्ड हो जाता, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता तो अपवार्ड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो डाउन वार्ड, तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, 9 से कुछ सोचना ही नहीं है, तो राइट वार्ड पैराबोला बनाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा ना राइट वार्ड पैराबोला, हो गया राइट वार्ड पैराबोला, और एक x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 लाइन होता है जो y एक्सिस का पैरेलल होता है, सपोज यही x इज इक्वल टू 2 और 4, ये हो जाएगा ना x इज इक्वल टू 4, यहाँ कटिंग हो जाएगा 4, ये एक्स एक्सिस है, तो देखो ये कर्व का इक्वेशन है ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो ये कर्व x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 4, ये और x एक्सिस यहाँ, इससे मिला हुआ जो एरिया है वही फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे इसके नीचे आप लोगों को लिखना है, इसलिए कलर्ड एरिया और यहाँ जो लिया गया ना सिंबल ए लिया गया ना, ये क्या हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 2 टू 4, तो देखेंगे ना ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो यहाँ जो वैल्यू लेना है ना वाई इज इक्वल टू लेना है, जो एक्सिस का लिमिट एक्स एक्सिस का लिमिट है, तो यहाँ वाई का वैल्यू रखना है ना, तो इसमें से वाई का वैल्यू यहाँ y क्या हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 3 square root x, यहाँ हो जाएगा 3 square root x dx। हम लोग क्या करेंगे ना इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर देना इसको, एरिया में मीन है ना ये फिगर देखकर और यहाँ लिखना, ये डिफिनिट लिखना,
ये हो गया, तो फिर एरिया में कुछ रखा है नहीं, फिर क्या हो जाएगा ना, थर्ड बाहर ये थ्री है, बाहर कीजिए थ्री, और क्या बचेगा ना ये टू टू फोर और रूट एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा ना थ्री बाई टू, तो यहाँ थ्री हो गया ना, ये टू बाई थ्री, और इसका हो जाएगा वैल्यू एक्स का पावर थ्री बाई टू, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा टू टू फोर, ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, टू बाहर आया, टू बाहर हो गया ना, यहाँ फोर रखेंगे ना, तो यहाँ फोर रखेंगे तो टू का पावर टू कैंसिल हो गया, टू टू दी पावर थ्री एट हो जाएगा, रख ही लेते ना, यहाँ रख ही लेते हैं, यहाँ फोर रखेंगे ना, तो फोर को लिख सकते हैं ना टू का पावर टू, और यहाँ थ्री बाई टू है, माइनस यहाँ टू रखिए तो टू का पावर थ्री बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया ना, तो एट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू टू इन टू, ये एट हो गया, और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना, टू का पावर थ्री बाई टू, इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एट माइनस इसको टू रूट टू लिख सकते हैं, सोल्व करो, टू का पावर थ्री बाई टू आने वाला है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर रूट टू, और यहाँ फिर से लिखना है ना स्क्वायर यूनिट्स, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व, ये कर्व बिटा देते ना यहाँ, और यहाँ 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 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू फोर, एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां देखेंगे कि मेरा जो एरिया बन रहा है ना, वो कौन कौन कर्व से मिलकर बन रहा है, जब भी एरिया का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले ये माइंड में होना चाहिए कि मेरा एरिया कौन कौन कर्व से, विच कर्व से बन रहा है, तो देखेंगे ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एक ये कर्व है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो यहां देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फोर से कुछ लेना देना है नहीं, तो अपवर्ड पैराबोला, हो जाएगा ना अपवर्ड पैराबोला, इसका इक्वेशन लिख लीजिए ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, और यहाँ वाई इज इक्वल टू टू है ना, तो वाई इज इक्वल टू टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सपोज ये पैरेलल लाइन होगा ना, ये सपोज ये टू डिस्टेंस का है, इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू, और एक दूसरा लाइन वाई इज इक्वल टू फोर है, ये भी पैरेलल हो जाएगा ना एक्स एक्सिस के, तो वाई इज इक्वल टू फोर, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया किसके किस बोल किसके किसके बीच फाइंड आउट करना है, एक कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, तो ये कर्व हो गया, वाई इज इक्वल टू टू, तो वाई इज इक्वल टू टू लाइन ये हो गया, वाई इज इक्वल टू फोर, तो वाई इज इक्वल टू फोर लाइन ये हो गया, और ये वाई एक्सिस ये हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही है। अब देखो कोई बच्चा बोलता है सर नीचे वाला ले लो ना, हम बोलेंगे कि ठीक है चलो ये ले लेते हैं ना, तो ये तो कर्व हो गया, ये y इज इक्वल टू टू लाइन हो गया, ये y एक्सिस हो गया, बट y इज इक्वल टू फोर नहीं आ रहा, तो सर इधर ले लो ना, तो बोल रहे हैं इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो जब भी रहना है तो इसी में रहना है, तो एरिया बाबू जब भी निकलेगा तो यही एरिया निकलेगा, तो यहाँ हम लोग चलते हैं ना, ऐसे लिखेंगे कलर्ड एरिया, बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है, इससे लगेगा ना, टीचर को लगेगा ना एग्जाम में कि बच्चा अपना से लिखा है, तो कलर्ड एरिया तो यही कलर किया हुआ एरिया है ना, तो कलर्ड एरिया इसी को बोलते हैं, यहाँ ए हम लोग लिखे हैं ना, तो ए हो जाएगा। अब देखो कहाँ से कहाँ तक, टू टू फोर,
है ना, वाई इक्वल टू टू है तो टू पे कटिंग होता है ना, वाई इक्वल टू फोर है तो यहाँ फोर पे कटिंग होगा, तो टू टू फोर, टू टू फोर, और दो चार के बीच कौन सा कर्व है ना, तो दो चार के बीच देखो यही कर्व है, ये वाला कर्व जो इक्वेशन दिया है, तो देख रहे हैं लिमिट कौन सा है, किस एक्सिस का लिमिट है, तो वाई का, तो उल्टा लेना है ना यहाँ से, एक्स का वैल्यू लेना है, जिसका लिमिट है उसका उल्टा, तो लिमिट किसका लिया गया ना, लिमिट वाई का लिया गया ना, वाई एक्सिस का, देखो टू टू फोर, तो उल्टा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, टू स्क्वायर रूट वाई, तो यहाँ हो जाएगा ना टू स्क्वायर रूट वाई, और देखो वाई में फंक्शन है ना, तो डी वाई हो गया, आप अब तो आप खुद कर सकते हो, तो देखो टू बाहर हो गया, तो यहां बचा टू टू फोर और ये डी वाई, ये टू हो जाएगा ना टू बाई थ्री, और ये हो जाएगा वाई का पावर थ्री बाई टू, और यहां टू टू फोर, क्या हो जाएगा अब, ये फोर अपॉन थ्री, और यहाँ फोर करते हैं ना, तो टू का पावर टू इंटू थ्री बाई टू, माइनस टू का पावर थ्री बाई टू, फोर अपॉन थ्री, ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एट, और इसको लिख सकते हैं ना टू रूट टू। अब क्या करते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसा भी हम लोग छोड़ सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, थर्टी टू अपॉन थ्री और माइनस एट अपॉन थ्री रूट टू, इससे बेटर है, इसे ही रहेगा जो आ रहा है ना वही, स्क्वायर यूनिट्स लिखिए इसको, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय द इलिप्स, द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फोर नाइन इज इक्वल टू वन, चलिए अब लोग सॉल्यूशन करते हैं ना, इसमें तो ओनली कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि इस इलिप्स का एरिया हमें बताओ, आपको बताया गया था, आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो, तो सबसे पहले देखना है ना, सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, अगर ए बड़ा होगा तो इलिप्स होरिजेंटल होगा, बी बड़ा होगा तो इलिप्स वर्टिकल होगा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो लिखेंगे हियर फोर ग्रेटर देन थ्री, देन द इक्वेशन, then the ellipse is horizontal, जब x के नीचे वाला बड़ा हो गया ना y के नीचे वाला से, तो जो ellipse बनेगा वो कौन सा ellipse बनेगा, horizontal ellipse बनेगा, अगर इधर का बड़ा हो जाता है तो vertical ellipse बन जाता, तो हम लोग फिगर बनाएंगे,
ये बना एलिप्स। तो बताया गया था ना कि उसके नीचे जो भी है एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, तो यहाँ x के पास जो कटिंग होगा वो 4 0 हो जाएगा, और y के नीचे 9 है ना, तो किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो इसका कटिंग हो जाएगा ना 0 3। तो इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो चारों का एरिया निकल जाएगा। तो ये तो पता है ना, ये 0 होता है ना ओरिजिन, तो लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है ना, एलिप्स का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू कलर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया पूरा एलिप्स निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एरिया फाइंड करके, एक कलर्ड एरिया फाइंड करके और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो सबके एरिया निकल जाएगा। तो क्या करते हैं ना, 4 और एक का कलर्ड एरिया यही 0 से क्या है ना, 0 से 4 है, तो 0 2 4। और किसका लिमिट ले रहे हैं ना, एक्स एक्सिस का लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ से वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोगों को कौन सा लिमिट में क्या लिया है ना, लिमिट में हम लोग लिए हैं एक्स एक्सिस, तो वाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ये सब रफ में करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9, एलसीएम लो तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 16, तो वाई स्क्वायर उठ जाएगा ना, तो 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोगों को मिलेगा 3/4 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सब रब में कर लेना है। इसको आप लिखिए, इसको आप लिखो, क्या हो जाएगा, ये 4 और 3/4 कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा 3/4, 0 टू 4 क्या बचेगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 3 0 टू 4, और क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन पढ़े 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, किस 4 है ना, ए का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर और 0 टू 4। तो चलो अपर लिमिट पुट करते ना, तो यहाँ 4/2 कुछ हो आ जाएगा ना, बट यहाँ 4 तो 16 माइनस 16 जीरो, ये टोटल 0 हो जाएगा 0, और यहाँ क्या रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे हाँ, तो यहाँ क्या आएगा 16/2 8 आएगा, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4/4 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई टू। तो अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 0 यहाँ डालेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा ना, और यहाँ 0 डालेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं ना, x/2 हाँ ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया ना 4, और यहाँ ये तो 0 हो गया, 4π 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 12π² यूनिट्स, यही हो गया एलिप्स के एरिया। अब ट्रिक देखो, यहाँ ट्रिक, ये तो बन गया ना, आप ट्रिक देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया ना, तो एरिया जो होता है पाई ए बी स्क्वायर डिट,
तो अगर बोर्ड में पूछता है तो आप देखते ही आंसर बताओगे। देखो एक इसका स्क्वायर है ए का, तो ए, एक इसका स्क्वायर है बी का, तो बी, और ए बी में मल्टीप्लाई करो और पाई से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ एक इसका स्क्वायर है फोर का, एक इसका स्क्वायर है थ्री का, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, पाई से मल्टीप्लाई करो, ट्वेल्व पाई स्क्वायर में। तो ये हुआ। अच्छा इसी क्वेश्चन को मेथड टू कर लेना है, इसी क्वेश्चन को मेथड टू कर लेना है। तो देखो ये सब तो जो इसमें लिखा गया था ना, गिवन इक्वेशन और ये जो फोर बड़ा है थ्री से ले, इलिप्सिस होरिजेंटल, ये सब तो बनेगा, ये सब फिर से लिख लेना है। यहाँ देखना है, अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि सर हम एक्स एक्सिस नहीं लेंगे, ये हम लोग एक्स लिए थे ना जीरो टू फोर, वो बच्चा बोल रहा है हम ये ले लेंगे, तो हम बोलेंगे ठीक है ले लो, तो फोर तो हुआ और ये हो जाएगा जीरो टू थ्री, क्या हो जाएगा जीरो टू थ्री। हाँ अरे अभी हम लोग जीरो टू फोर लिए थे ना, तब भी एरिया फाइंड आउट हुआ था, हम वाई एक्सिस भी लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री हो गया, तो हम बोलेंगे ना कि जीरो टू थ्री लिया, वो कौन सा एक्सिस का लिया, तो वाई एक्सिस का, तो उल्टा एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, इससे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन, और ये इधर हो जाएगा ना सिक्सटीन, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जाएगा ना फोर हो जाएगा और इसका थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा नाइन माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां आने वाला है फोर अपॉन थ्री, और यहाँ नाइन माइनस वाई स्क्वायर, और y का फंक्शन है तो dy। क्या देखते हैं कि क्या एरिया आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फोर बाई थ्री बाहर आया ना, तो सिक्सटीन अपॉन थ्री जीरो टू थ्री नाइन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, सिक्सटीन बाई थ्री, चलिए y बाई टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर वैल्यू नाइन है ना, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई किसका स्क्वायर थ्री का। अब ये सब तो डिफिनिट और इनडिफिनिट का यूज हो जाता है, मेनली ये है कि कर्व देखने के बाद ये लिखना, ये हो जाता है बस एरिया कंप्लीट, और इधर जितना अच्छा इंटीग्रेशन उतना ही एरिया अच्छा, इसलिए आपको बराबर बताया गया था ना कि एरिया के लिए डिफिनिट इनडिफिनिट काफ़ी ज़रूरी है, अगर उधर सब ठीक है तो इधर सब बढ़िया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं ना, तो वैल्यू पुट करते हैं तो 16 अपॉन 3, यहाँ 3 तो 3 अपॉन 2, बट यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 9 जीरो, तो यहाँ 0 आने वाला है, अच्छा यहाँ हो जाएगा 9 बाई 2, और यहाँ 3 3 बाई 3 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना पाई बाई 2, और यहाँ 0 डालेंगे ना तो ये 0, और यहाँ 0 तो ये 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 0, कितना आएगा ना यहाँ हो जाएगा 16 बाई 3 इंटू 9 पाई अपॉन 4, ये 3 से गया 3, 3 जा 9, 4 3 जा 4, 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या देखे, हम लोग x एक्सिस लेकर भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और y एक्सिस लेकर भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना, दोनों केस में आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स ही आ रहा है। और एक चीज़ और, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिंगल कर्व पढ़ रहे हैं, सिंगल कर्व, इसमें केवल इलिप्स था, इसके पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें एक कर्व था और एक पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ था, ये सब सिंगल कर्व है। और इसका ट्रिक हो गया ना पाई ए बी, इसका किसका स्क्वायर फोर, एक इसका थ्री, फोर थ्री जाए ट्वेल्व, पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ट्वेल्व पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मल्टीपल च्वाइस वन नंबर बोर्ड में जो आता है, अगर इनकेस नहीं पूछता है बट पूछ भी दिया तो आंसर आप लोग ऐसे निकाल लोगे। तो चलिए आपका होमवर्क रहेगा कुछ, अभी फर्स्ट फर्स्ट क्लास है ना, कैसे आप लोग क्या करोगे देखना कि कैसे कैसे किया गया ना, एक 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 दो क्वेश्चन लेकर ही पूरा एनर्जी लगाना है और एक एक पॉइंट पे सोचना है, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर आप पूछिएगा, और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसको करना है।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई द कर्व, बाउंडेड बाई द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव। एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू थ्री एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाई द इलिप्स, बाउंडेड बाई द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इज इक्वल टू वन। तो ये तीन ठो जो क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और आज कुछ ज़्यादा नहीं किया जा रहा ना, जस्ट आप एग्जांपल समझिए। आपको ये पता करना है कि कैसे हम लोग कर्व बनाते हैं, कर्व बनाने के बाद कैसे हम लोग एरिया लिखते हैं। एरिया लिखने आ गया तो बस हो गया, उसके बाद तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये बताया गया कि देखेंगे ना कि कहाँ से कहाँ जिसके बीच का कर्व होगा ना उसको लिमिट लेते हैं, और लिमिट जिस एक्सिस का लेते हैं ना उसका उल्टा लिखते हैं। अगर वाई का लिमिट लेते हैं तो अंदर में एक्स का वैल्यू लिखते हैं, अगर एक्स का लिमिट लेते हैं तो वाई का वैल्यू लिखते हैं। और ये भी आज बताया गया ना कि जब भी दो कर्व हो या दो से ज़्यादा कर्व हो तो दोनों को सोल्व करके उसका कटिंग फाइंड आउट करते हैं। उस पर क्वेश्चन कराया जाएगा ना। अभी आप सिंगल कर्व का क्वेश्चन करो, और अभी तो आप लोगों का पूरा जो ये होना चाहिए ना कि कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं, कैसे बताया गया ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो अप वाट, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो राइट वाट। तो ये सब सीखना है, और इसको आप करो और खुद कुछ कंसेप्ट हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।